शुभ शुभ जन्मदिन हो योगी जी, शुभ शुभ जन्मदिन हो। राम जी मेहर करें, कृष्ण जी मेहर करें, शिव जी मेहर करें, योगी जी सब कोई मेहर करें। आदरणीय योगी जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये भी शुभकामना करता हूँ कि भविष्य में प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो आप ही सुशोभित करेंगे। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई योगी जी के जन्मदिन की। तो और देखिए, जो विपक्ष है वो भी अंदर ही अंदर जानता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, होगा तो योगी ही अगला मुख्यमंत्री। इसलिए ये जो जितनी अफवाह फैला रहे हैं, ये अपने लिए गड्ढा नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए खाई खोद रहे हैं। और जबकि जो विपक्ष के लोग हैं, आप देखिए अखिलेश जी को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला मैं भाजपा की वैक्सीन। अरे दवाई भी कोई भाजपा और सपा बसपा और कांग्रेस की होती है क्या? दवाई तो दवाई होती है। और देखिए, विश्व की सभी बुद्धिजीवियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है, वो चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो हमारे देश का, ये हर ग्रामीण को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ये कहते हैं कि अरे राजनीति तो तभी करोगे ना, मोदी जी को गाली तभी दे पाओगे ना जब जीवित बचोगे। अरे जान है तो जहान है। इसलिए अखिलेश जी से मैं कहना चाहूँगा, आप जो ये गलत बयानबाजी करते हैं और भाजपा की, आप मेरे इस डायलॉग को सुन के कल आइए, अभी आइए तुरंत, और मीडिया में आके माफी मांगिए देश की जनता से कि मैंने गलत भटकाया आप लोग को कि ये भाजपा की वैक्सीन है, और आप भी चुपके चुपके वही वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो आप आके बोलिए, आप हिम्मत जुटाइए। लेकिन आपको तो क्या करना है, मोदी को, देश को, यूपी को बदनाम करना है, ऐसा करेंगे नहीं। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप आइए और जिन जिन भ्रांतियों को आपने फैलाया है उन सबको दूर कीजिए। शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो योगी जी, शुभ शुभ जन्मदिन हो। राम जी मेहर करें, कृष्ण जी मेहर करें, शिव जी मेहर करें, योगी जी सब कोई मेहर करें। आदरणीय योगी जी को, यूपी के मुख्यमंत्री जी को, मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद आज उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और शंख ध्वनि भी करता हूं। ध्वनि के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय योगी जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और यह भी शुभकामना करता हूं कि भविष्य में प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो आप ही सुशोभित करेंगे। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई योगी जी के जन्मदिन की। बाबा जी, अब अगर 2022 में आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दे दी योगी जी के लिए, एक सवाल ये भी कि 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तरफ से काफ़ी सारे एजेंडे चलाए जा रहे हैं योगी जी को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट रहेगा 2022 के चुनावों का? देखिए, 2022 के चुनाव को लेकर जो हमारे देश का विपक्ष है और उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो भ्रांतियां फैला रहा है। दरअसल जब कोई किसी को हार दिखने लगती है ना, तो वो सोचता है कि येन केन प्रकारेन अपने प्राणों को बचाओ। तो जो हमारे देश का, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए
झूठ का, फरेब का और भ्रांतियों का सहारा ले रहा है। मैं कहता हूं कि जब भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, उस तरह का कोई लक्षण नहीं है, योगी जी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, वो न केवल यूपी के लिए बल्कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के पड़ोस के देशों के लिए और बल्कि विश्व के लिए एक आदर्श नेता के रूप में उभरे हैं। जब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के साथ साथ योगी जी की भी प्रशंसा कर रहा है, चाहे आप WHO को ले लो, चाहे आप UN को ले लो, चाहे आप अमेरिका को ले लो, इंग्लैंड को ले लो, जापान को ले लो, इस भूमंडल पर किसी भी देश के नेता को ले लो, किसी बड़ी से बड़ी संस्था को ले लो, आज सभी कोई भारत में जो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल विकसित किया है योगी जी ने, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो आतंक को, भ्रष्टाचार को और जो आपराधिक प्रवृत्ति थी उत्तर प्रदेश में, उसको जिस तरह से योगी जी नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, वो एक आदर्श होना चाहिए, ताकि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आतंक और भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त हो सके। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो विपक्ष एक तरह की भ्रांति फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, जनता को गुमराह करना चाहता है कि योगी जी के प्रति जो केंद्रीय नेतृत्व है वो असंतुष्ट है, ये बिल्कुल कोरी बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। बल्कि भाजपा ने एक आधिकारिक बयान जारी करके ये कह दिया है कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में भी योगी जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि यूपी का जो भविष्य है वो योगी जी में निहित है। अब ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जैसा कि मेरा पहला सवाल था कि 2022 में आखिरकार रिजल्ट क्या रहेगा, और ये जो विपक्ष की तरफ से नैरेटिव और एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या इनको कुछ फायदा मिल पाएगा जिस तरीके से ये चीज़ें कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि जितना भी विपक्ष है वो एक साथ मिलकर खड़ा हो जाए, जैसा कि 2019 में ये एक साथ खड़े हो गए थे सारे PM नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। देखिए, कोई भी जो चुनाव होता है या कोई भी कर्म होता है, उसका फल क्या मिलेगा ये अनिश्चित होता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो आदमी सत्य के रास्ते पे चलता है, जो सही रास्ते पे, जन कल्याण के रास्ते पे चलता है, वो ये बता सकता है कि हाँ क्या रिजल्ट होगा। जैसे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो बताया मुझे इतना नंबर मिलेगा, उस प्रकार से 2022 के चुनाव में हम ही नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि योगी जी ही दोबारा वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और तो और देखिए, जो विपक्ष है वो भी अंदर ही अंदर जानता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, होगा तो योगी ही अगला मुख्यमंत्री। इसलिए ये जो जितनी अफवाह फैला रहे हैं, ये अपने लिए गड्ढा नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए खाई खोद रहे हैं। और देखिए, आज योगी जी का जन्मदिन है, आज राजनीतिक बातें करने का दिन नहीं है, आज तो हंसने गाने खुशी मनाने का, मंदिर जाने का, चर्च जाने का और गुरुद्वारे जाने का दिन है। तो एक गीत मैं योगी जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए गाना चाहता हूँ, कि मैं श्याम बाबा खाटू वाले की कथा करता हूँ, जो महाभारतकालीन भीम पौत्र बरबरीक जी हैं, उनके जन्म की बधाई के साथ साथ मैं योगी जी को उनके जन्म की बधाई देता हूं। सुनो बरबरीक, जन्म दिन ये तेरा हमने मनाया है, सुनो बरबरी जन्मदिन ये तेरा हमने मनाया है, बड़े दिन बाद जगे हैं भार, तभी शुभ दिन ये आया है, कोई बजावे बिना बाजे पखावज क्रांधा, गावे बधाई नाचे कोई ताता थैता, तेरे पितु घटोत कच का मन बाग बाग हो आया है,
सुनो बरबरी जन्मदिन ये तेरा हमने मनाया है श्रावणी अमावस सुदिन बड़ा पावन पांडव कुल जन्मा बालक मन भावन तेरी माता जी मौरवी ने तुझे हृदय लगाया है बट रही मिठाई रसगुल्ला रस मलाई रुपया अशर्फी बांटे भर भर के मुट्ठी भाई वो बट रही मिठाई रसगुल्ला रस मलाई रुपया अशर्फी बांटे भर भर के मुट्ठी भाई तेरी दादी हिडिंबा ने अपना सर्वस्व लुटाया है सुनो बरबरी जन्मदिन ये तेरा हमने मनाया है घुंघराले केशों वाला तू बलशाली निराला प्रभाकर एक उजियाला भक्तों का रखवाला घुंघराले केशों वाला तू बलशाली निराला प्रभाकर एक उजियाला भक्तों का रखवाला तेरे दादा बलि भीम कारे मनवा भी हर्षाया है सुनो बरबरी जन्मदिन ये तेरा हमने मनाया है बड़े दिन बाद जगे हैं भाग तभी शुभ दिन ये आया है बोलो बरबरी सुहृदय श्याम की जय। तो इस प्रकार से मैं इस गीत के माध्यम से योगी जी को जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी तरह वो और भी जनता की सेवा में अपने राज्य को और भी ऊंचा स्थान दिलाने के लिए वो ऐसे ही कार्य करते रहें और मोदी जी जो सुविधाएं केंद्र से भेज रहे हैं उनको और देखिए जो कोरोना महामारी आई है उसको योगी जी ने कितनी अच्छी तरह से उसको टैकल किया है कि आज यूपी में बहुत अधिक संख्या में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई है और वहाँ पर वो लोगों को समझाने में भी सफल रहे हैं कि वैक्सीन ही इसका उपाय है जबकि जो विपक्ष के लोग हैं आप देखिए अखिलेश जी को उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला मैं भाजपा की वैक्सीन अरे दवाई भी कोई भाजपा और सपा बसपा और कांग्रेस की होती है क्या दवाई तो दवाई होती है और देखिए विश्व की सभी बुद्धिजीवियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो हमारे देश का ये हर ग्रामीण को हर आदिवासी को हर नागरिक को चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो उसको अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि मोदी जी ये कहते हैं कि अरे राजनीति तो तभी करोगे ना मोदी जी को गाली तभी दे पाओगे ना जब जीवित बचोगे अरे जान है तो जहान है इसलिए अखिलेश जी से मैं कहना चाहूँगा आप जो ये गलत बयानबाजी करते हैं और भाजपा की आप मेरे इस डायलॉग को सुन के कल आइए अभी आइए तुरंत और मीडिया में आके माफी मांगिए देश की जनता से कि मैंने गलत भटकाया आप लोग को कि ये भाजपा की वैक्सीन है और आप भी चुपके चुपके वही वैक्सीन लगवा चुके हैं तो आप आके बोलिए आप हिम्मत जुटाइए लेकिन आपको तो क्या करना है मोदी को देश को यूपी को बदनाम करना है ऐसा करेंगे नहीं आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप आइए और जिन जिन भ्रांतियों को आपने फैलाया है उन सबको दूर कीजिए धन्यवाद बाबा जी।